दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से एक न्यू वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसके बाद हम आपको एक्टर इमरान हाशमी की कंगना रनौत के बारे में लेटेस्ट स्टेटमेंट के बारे में अपडेट करेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जामनगर में हुई। सेलिब्रेशंस 1 मार्च को शुरू हुई और 3 मार्च तक जारी रही, जिसमें हिंदुस्तान और दुनिया भर से मेहमानों ने शिरकत की। सिंगर आको म्यूजिकल गेस्ट्स में से एक थे और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी परफॉर्मेंस की एक वीडियो शेयर की, जहां शाहरुख खान और सलमान खान स्टेज पर राव 1 के ट्रैक चमक चलो पर डांस करते नजर आए। वीडियो में आकियों को क्राउड के साथ चमक चलो गाते हुए देखा गया। स्टेज पर वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ शामिल हुए। उन्होंने अपने फोन से एकॉन की सिंगिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की। शाहरुख खान को बेटी सुहाना खान के साथ भी वाइब करते देखा गया। उनके साथ उनकी वाइफ गौरी खान डांस कर रही थी। सलमान खान भी स्टेज पर डांस करते नजर आए और कैमरे के लिए मुस्कुराए। राधिका ने भी एकॉन के साथ डांस किया। शादी से पहले की सेलिब्रेशंस की आखिरी रात जामनगर में म्यूजिक गेस्ट की परफॉर्मेंसेस के साथ हुई। सिंगर अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और लकी अली ने गाने गाए। दिलजीत दोसांझ पार्टी के गेस्ट्स में से एक थे, उन्होंने दूसरे दिन परफॉर्म किया। सिंगर रियाना ने फर्स्ट डे परफॉर्म किया। एक रीसेंट वीडियो में देखा जा सकता है कि अनंत अंबानी अकॉन की परफॉर्मेंस के दौरान सलमान खान को स्टेज पर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान को उठा नहीं सकते। अनंत ने शेरा को फोन किया, जिसे स्टेज के करीब खड़ा देखा गया था। इसके बाद शेरा स्टेज पर आता है और सलमान खान को उठाता है। इस मोमेंट को अकॉन ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। ये एक बहुत क्यूट मोमेंट था। अब बात करते हैं इमरान हाशमी की नेपोटिज्म के बारे में न्यू स्टेटमेंट के बारे में। इमरान हाशमी अपनी नई वेब सीरीज शो टाइम की रिलीज का वेट कर रहे हैं। एक नए इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने इस वेब सीरीज के टॉपिक नेपोटिज्म के बारे में बात की। ये डिस्कशन कुछ साल पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पहली बार शुरू की थी। इमरान ने कहा कि उन्हें कंगना की स्टेटमेंट सरप्राइजिंग लगी। इंटरव्यू में इमरान ने कहा, मैं बतौर एक्टर कंगना को पर्सनली बहुत पसंद करता हूं। हो सकता है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हों। मैंने उनके साथ गैंगस्टर में काम किया है। इस फिल्म में उनका मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। यही वजह है कि उन्हें इस फिल्म से एक्सपोजर मिला। मैं नहीं समझता कि सिर्फ नेपो किड्स को ही मौका मिलता है। कंगना की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री पर इल्जाम लगाना गलत है। कंगना और इमरान ने पहले गैंगस्टर में एक साथ काम किया और फिर एक साथ कई फिल्मों में एक्टिंग की। कंगना ने 2017 में चैट शो कॉफी विद करण में करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कहा था। इसके बाद से काफी विवाद करण में उनके नेपोटिज्म के बारे में रिमार्क्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए, खास तौर पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। इमरान हाशमी को आखिरी बार टाइगर 3 में एक एंटेगोनिस्टिक रोल में देखा गया था। शो टाइम उनका अगला शो है, जिसमें मौनी रॉय और नसीरुद्दीन शाह समेत और भी एक्टर्स हैं। ये वेब सीरीज 8 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इमरान हाशमी की नेपोटिज्म के बारे में स्टेटमेंट कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स में बताएं।